तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि Realme का X3 बहुत जल्द आने वाला है। तो आज एक फ़ोन Realme के चाइना के अंदर लॉन्च हो गया है। जी हाँ, इसका नाम है Realme X50M और ये शायद से इंडिया में Realme X3 के हिसाब से आ सकता है, क्योंकि जो X3 के बारे में बताया था वही सेम फीचर्स के साथ ये लॉन्च हुआ है, लेकिन नाम चेंज हो गया है और इंडिया में शायद से ये X50 सीरीज में भी आ सकता है। क्योंकि आपको बताओ कि इंडिया में X50 5G वर्जन आपको इंडिया में मिल रहा है, जो कि 41-42,000 के आसपास मिल रहा है, जो कि अभी तक बंद है लेकिन मिलता है, जो कि क्वालकॉम का 865 प्रोसेसर के साथ आता है। तो उसी तरह देखें तो शायद से ये भी आ सकता है वही सेम नाम से, लेकिन जहां तक मुझे लगता है शायद से ये X3 के नाम से भी आने वाला है। तो क्या कुछ इसका फैशन है और चाइना में कितना प्राइस इसका रखा गया और इंडिया में कब तक ये आ सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि Realme का X50M चाइना के अंदर लॉन्च हो गया। जी हाँ, यहाँ पे मैं X50M नाम से इसको बताऊंगा और आपको पता चल जाए कि ये X3 ही है, कि X3 आने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि ये X50 नाम से ही लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले डिजाइन की बात करते हैं, तो नॉर्मल डिजाइन टिपिकल Realme का जो डिजाइन आता है उसी तरह है। जी हाँ, जो आपको X50 में देखने को मिलता है, जो आपको X2 Pro वगैरह जितने भी 4 कैमरे वाले फ़ोन है Realme के जिस तरह दिखते हैं वही सेम टू सेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.57 इंच का यहाँ पे आपको फुल HD प्लस वाला LCD डिस्प्ले मिल जाएगा। जी हाँ, जैसे कि उस वीडियो में बताया था कि LCD डिस्प्ले आने वाला है, तो यहाँ पे आपको LCD डिस्प्ले मिल जाएगा और जो रिफ्रेश रेट होगा वो होगा 120 हर्ज का। जी हाँ, यहाँ पे जैसे कि आपको पोको X2 में मिल जाता है 120 हर्ज वाला रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, तो यहाँ पे भी आपको 120 हर्ज वाला रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का 765G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और याद रखिए ये Realme का सबसे सस्ता वाला 5G वेरिएंट है। जी हाँ, जो 765 वाला जो प्रोसेसर है वो आपको 5G को सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली बात है ये 5G वाला फोन है और सबसे सस्ता भी है, क्योंकि आखिर में आपको बता दूंगा इसका प्राइस कितना है तो आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, ये सबसे सस्ता वाला है। अब रैम रोम की वेरियंट की बात करते हैं तो यहां पर आपको दो वेरियंट में ये देखने को मिल जाएंगे, 6GB और 8GB, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128 स्टोरेज, दो वेरिएंट में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोनों में जो 128GB स्टोरेज है वो सपोर्ट करता है UFS 2.1 को। जी हाँ, यहाँ पे आपको UMC नहीं, अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज 2.1 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैमरे के बारे में, तो पीछे की तरफ यहाँ पे आपको 4 कैमरा देखने को मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा होगा वो होगा 48MP का और पिक्सल साइज जो होगा यहाँ पे 0.8 पिक्सल साइज। और अपर्चर की बात करते हैं तो f1.8 अपर्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब और एक जो कैमरा होगा उसके बाद जो आता है वो है 8MP का, जिसका वाइड एंगल है 119 डिग्री का। जी हाँ, 119 डिग्री का वाइड एंगल यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद तो आपको पता होगा कि 2MP का माइक्रो लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसिंग या फिर टेलीफोटो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जो माइक्रो लेंस है उसका जो साइज है वो है 4cm। जी हाँ, 4 सेंटीमीटर से ये ले सकता है, इमेज को बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर कर सकता है। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको दो फ्रंट कैमरा मिल रहा है 16MP का, और एक जो कैमरा मिलेगा वो है 2MP का। जो 16MP का कैमरा है वहाँ पे आपको सेंसर मिलेगा सोनी का IMX सेंसर। जी हाँ, सोनी का IMX471 वाला सेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और जो 2MP का डिजिटल सेंसर है उसका एपरेचर यहाँ पे दिया गया है f2.4। जी हाँ, f2.4 वाला एपरेचर दिया गया है। तो जो लो लाइट वाला इमेज है, पीछे की तरफ की बात कर रहा हूँ, जो 48MP है उसका एपरेचर क्योंकि 1.8 है, तो जो लो लाइट इमेज है वो भी बहुत ही अच्छा वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 64 दे सकते थे लेकिन यहाँ पे 48 दिया गया है, लेकिन जो एपरेचर है बहुत ही अच्छा है और काफ़ी ठीक ठाक आप फोटो वहाँ पे खींच सकते हैं। और बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो एंड्रॉइड 10.2 के साथ ये आने वाला है और Realme UI भी ऑब्वियसली बात है, Realme UI यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आपको साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट देखने को मिल रहा है। और बैटरी की बात करते हैं तो 4200mAh का यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल रहा है। और बॉक्स के अंदर ही, जैसे कि पिछले वीडियो में एक्जेक्टली बता दिया था कि बॉक्स के अंदर ही आपको यहाँ पे 30W का बुक चार्जर देखने को मिल जाएगा। और एक मेन बात बताना भूल गया कि यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पे आपको 3.5mm जैक नहीं मिल रहा है, तो जो भी आपको ऑडियो मिलेगा वो होगा CDLA वाला। जी हाँ, यानी कि टाइप सी के थ्रू ही आपको ऑडियो मिलेगा, जिसको बोलते हैं कंटीन्यूअसली डिजिटल ऑडियो सिस्टम, CDLA वाला है।
तो यहाँ पे आपको वही सिस्टम देखने को मिल रहा है, टाइप सी पोर्ट के थ्रू आप यहाँ पे ऑडियो सुन सकते हैं, ईयरफोन वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलेगा, या फिर कुछ अच्छा सा ब्लूटूथ वाला हेडफोन या ईयरफोन खरीद के सुन सकते हैं। अब कलर की बात करते हैं तो ये दो कलर में अवेलेबल हो जाएगा, व्हाइट एंड ब्लू कलर में। और प्राइस की बात करते हैं तो चाइनीज प्राइस के हिसाब से 1999 yuan है, यानी कि यहाँ पे इंडिया में हम कन्वर्ट कर देंगे तो 21,500 के आसपास। जो 6GB 128 वर्सन है वो 21,500 के आसपास पड़ रहा है, जी हाँ 21,500 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। और जो अपर वेरिएंट यानी कि 8GB 120 GB उसका प्राइस है लगभग यहाँ पे आपको 23,000 to 25,000 के अंदर पड़ेगा, जी हाँ। तो जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि ये फ़ोन क्योंकि 765 प्रोसेसर के साथ आ रहा है और ये 5G वेरिएंट है, जी हाँ यहाँ पे 5G मॉडेम लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है ये 20,000 से नीचे नहीं, 20,000 के आसपास या फिर 20,000 से थोड़ा ऊपर हो सकता है। मैं उस वीडियो में बता दिया था और ऐसा ही हुआ, ये 20,000 से ऊपर है, थोड़ा सा 1,500 ज़्यादा हो रहा है। तो इंडिया में आएगा तो यही सेम प्राइस में शायद से आपको देखने को मिल सकता है, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा 1,500 to 2,000 ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों Realme X50M की कहानी, कैसा लगा जरूर से बताएगा और आई होप आपको पसंद आया होगा। और एक कमेंट सेक्शन बताना कि अगर इसी प्राइस में इंडिया में ये लॉन्च होगा तो आप खरीदना चाहेंगे या नहीं, उसके बारे में कमेंट सेक्शन जरूर से बताना। तो मेरे हिसाब से देखें तो ये फ़ोन इस प्राइस में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 5G फ़ोन है और सबसे सस्ता वाला 5G फ़ोन भी है Realme का, और साथ साथ जो प्रोसेसर है वो भी लेटेस्ट प्रोसेसर है, 765G वाला प्रोसेसर, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर भी है, तो बहुत ही अच्छा खासा आप गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छा नहीं लगा इस फ़ोन में वो है LCD डिस्प्ले, जी हाँ AMOLED देते तो अच्छा होता, क्योंकि इतना 20,000 से ऊपर जा रहा है और उसमें आपको LCD देखने को मिल रहा है, क्योंकि 120Hz है लेकिन AMOLED देते तो अच्छा होता। आपको क्या लगता है जरूर से बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर देना। और एक बात, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं TechPoint YouTube चैनल, मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।